सतयुग में मनुष्य का आयु था 1,00,000 वर्ष। नहीं विश्वास है, ठाकुर प्रसाद कैलेंडर लीजिए, उसी के पीठ पर लिखा हुआ है। सतयुग में मनुष्य का आयु 1,00,000 वर्ष। 1,00,000, 1,00,000 कैसे लिखते हैं? एक दीजिए बगल में 5 सुन्ना मारी, 1,00,000। लेकिन जो पढ़ेंगे विद्यार्थी वही नहीं 1,00,000 लिखेंगे। एक लड़का पढ़ी का भी पूछ लिए रे ननु कौन क्लास में पढ़े जाए, लड़का के लिए बाबा क्लास में नहीं पढ़े छी, बरंडा पर पढ़े छी। बोलो कहिया लिखते 1,00,000? सतयुग में मनुष्य का आयु था 1,00,000 वर्ष। सतयुग में अब अगरबत्ती नहीं जलाना है, छोड़ छोड़ खाली तेल वड़ा है तो ओकरा भरी दे। भोजन पर मरचान एक्के दाव चलना चाहिए, अगरबत्ती भी एक्के दाव जलना चाहिए। चलिए बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। सतयुग में धर्म को 4 चरण, धर्म को 4 चरण है, सत तप दान पवित्रता। सतयुग के लोग सत्य भी बोलते थे, सतयुग के लोग तप करते थे तपस्या, सतयुग के लोग दानी थे, सतयुग के लोग पवित्र रहते थे, मंदिर की तरह अपने को पवित्र रखते थे। आज उल्टे हो गया है, मंदिर को लोग पवित्र रखते हैं, अपने को अपवित्र कर देते। मंदिर जाइए वहां जल चढ़ाते हैं, मंदिर में लोग जल चढ़ाते हैं, अपने मंदिर में दारू चढ़ाते हैं, मंदिर में जाकर अगरबत्ती जलाते हैं, अपने मंदिर में बीड़ी सिगरेट गांजा की धुनिया देते हैं, मंदिर में जाकर लोग लड्डू चढ़ाते हैं, अपने मंदिर में मुर्गी का अंडा भी चढ़ाते हैं, मंदिर में जाते हैं लोग बेल के पत्ता चढ़ाते हैं, पान के पत्ता चढ़ाते हैं, अपने मंदिर में राजनिवास रजनीगंधा गुटखा चढ़ाते हैं। आपका ये शरीर ही मस्जिद है, आपका ये शरीर ही मंदिर है। शास्त्र में प्रमाण दिया हुआ है, देहस्था सर्व विद्या च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्यन लभते। यही शरीर में विद्या का खजाना है, यही शरीर में सारे देवी देवताओं का वास है, इसी शरीर में दुनिया में जितना भी तीर्थ स्थल में देवी देवता निवास करते हैं सब मनुष्य देह में निवास करते हैं। ऐसे शरीर को मस्जिद बनाइए, पवित्र रखिए, ऐसे देह को मंदिर बना करके रखिए। विवेक से काम लीजिए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतयुग में धर्म को 4 चरण, सत तप दान पवित्रता। त्रेता युग में लोग झूठ बोलने लगे, 1 सुन्ना घट गया, 5 सुन्ना में 1 सुन्ना घट गया, 1,00,000 में 5 सुन्ना देते हैं, तो झूठ जो बोलने लगे लोग दी 1 सुन्ना घट गया, बच गया 4 सुन्ना, मनुष्य का आयु हो गया 10,000 वर्ष। 1 सुन्ना घटने के बाद 90,000 खत्म। द्वापर युग में चोरी बढ़ गई,
एक सुन्ना घट गया बच गया, तीन सुन्ना मनुष्य का आयु हो गया 1000 वर्ष। कलयुग में लग गए झूठ, बिना झूठो से ककरे बर तुहारी आज तक फाइनल नहीं होलो छे। हे लड़का लड़का बेजोड़ छे, बोले वाला बात बेजोड़ का पार होते। दिन भर राज निवास मुँह हम गुटगा क्यों लेट छे, लेकिन अगवा जे छे म बढ़ाइए बोले बेजोड़ लड़का। लड़का क्यों ते बढ़े बाल जेहनो कटा ले जे, इन्ने तंडा छोड़ी दे जे, इन्ने ले जे भैंसी चली गेल तो ही बोलो देखे में बढ़िया लगे छे। जी जे पिन्हले जे ठौना पर भांगले जी छे। अब विचार कर कलयुग में ज्यादा झूठ, एक सुन्ना घट गया बच गया, दो सुन्ना मनुष्य का आयु हो गया 100 वर्ष। 100 वर्ष में भी जो आदमी चाय पिएंगे खूब, अरे कभी का हो गया तो हो गया, लेकिन जो उसको भोजने बना दिए हैं जल खाए कलो चाय, 5 वर्ष यौर्दा घट जाए। चाय के बदले में आप तुलसी पत्ता का काढ़ा सेवन करें, विचार कीजिए, या वैसे भी तुलसी का पत्ता चबा करके रोज खाइए। बोखार जे छे ना, जे तुलसी पत्ता खाते रहते बोखार कोने कोनी भागते, कन्ने जी पूरेनी ही न जी है कि किशुनगंज ही न जी, विचार कीजिए। सबसे बहुत बड़ा धर्म मनुष्य का है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना। सबसे बहुत बड़ा धर्म कि जिस शरीर के द्वारा आप नमाज पढ़िएगा, जिस शरीर के द्वारा आप रोजा रहिएगा, जिस शरीर के द्वारा आप इबादत कीजिएगा, जिस शरीर के द्वारा आप बाबा धाम जाइएगा, जिस शरीर के द्वारा आप उपवास रहिएगा, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तब तो पीबिएगा गांजा, गांजा मांगे दही दूध हफी मांगे घी, और शराब मांगे लात जूता समझी बुझी पी। अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का पहला धर्म है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या बनाई, 8 बजते जलपान कीजिए, 12 बजे में भोजन कीजिए, 4 बजे में भुज्जा खाइए रोज, 9 बजे रात में भोजन करके सो जाइए, 3 बजे भोर में भजन करने के लिए जग जाइए। यखाग आदमी 8 बजे दिन तक सुतले रहे जे, बुझो कुंभकर्ण के फुफेरे भाज के। सुबह का हवा किशुनगंज का दावा बात बराबर, इसलिए आदमी को सवेर जगना चाहिए, टहलना चाहिए, पानी 2-4 लोटा भी पी जाइए कोई दिक्कत नहीं। आज तक नहीं सुनने हमें पानी पिला पेट खराब हो जी, कहिए सुनने छी आ कहिए सुनने छी बाबा रेलगाड़ी चोरी भाग नहीं सुनने। रेलगाड़ी कभी नहीं सुने होंगे कि चोरी हुआ, आ कहिए नहीं सुनने हमें पानी पिए पेट खराब भाग गई, कहिए नहीं सुनने। इसलिए आदमी को पानी खूब पीना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज। चलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का पहला धर्म, सत्य बोलना मनुष्य का दूसरा धर्म, जीव पर दया करना मनुष्य का तीसरा धर्म, गुरु से चुक्ति लेकर साधन भजन ध्यान करना मनुष्य का ये चौथा धर्म। चलिए एक दिन सबरी की कुटिया पर एक कागा बैठी थी। सबरी वो कागा से पूछती है, बताओ कागा तुम तो सब जगह जाते हो, मेरे कुटिया पर मेरे प्रभु श्री राम कब आएंगे? अब कागा से पूछ रही है, जो कि कौवा कभी बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी पूछ रही है, इतना भाव से इतना प्रेम है सबरी में।
इसलिए कि सतयुग के लोग सत्यवादी थे। सतयुग के लोग एक दूसरे का भलाई करते थे। अभी के युग में जिसको आप अपना समझते हैं, भीतर से सचेत भी हो जाइए, जिसको आप अपना कह रहे हैं वह अपना भी नहीं है। जकरा बरतुहारी लज हो वही जरा में एगाद गो बरतुहारी काट हो लज दौ न लड़का चलो न हम तोरा लड़का दे छ मारे फुफा बेटा कत सुंदर विचार। सतयुग में मनुष्य का आयु था 1,00,000 वर्ष। अपने कुटिया पर एक दिन बैठी थी। भगवान राम के याद में सबरी 10,000 बरस तक रोती रही।